नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु स्मृति लग्ना देखिबा हेडलाइंस मुंड नुआईले राज्य सरकार स्थगित रहिला बीएमसी रा वर्धित होल्डिंग टैक्स नुआ नियम रे हाईकोर्ट भी लगाइले रोक एवं पुराना दर रे आदाय हेबो टैक्स नर कंकालर सत कण रहस्य घेरें महिला मृत्यु हाजत मृत्यु आड़े इशारा देउछि डीसीपी को बयान संदेह रे पुलिस रा भूमिका परिचय जानिबा को हैदराबाद गला कंकालर किछि अंश ओडिशा रे कोरोना को पुरिला बरसे तथापि लड़ही सरिनी भय जाइनी देश को पुणी फेरिछि महामारी जनस्वास्थ्य निर्देशकक सतर्कता ओडिशा रे बढ़ि पारे संक्रमण केबे गिरफ हेबे अभियुक्त मानसिंह पटना छात्री पोड़ी मारी दबा को उद्यम घटना तीन सप्ताह परे भी पुलिस हाथ खाली दुई संदिग्ध युवक को पचरा उचरा परे करा गला पॉलीग्राफ टेस्ट थिला बालां को मिलिला किंतु नथिलां को नहीं वेंडिंग जोन बंटन रे पातर अंतर अभियोग 160 दुकान निर्माण हेले 106 जन को मिलिला वेंडिंग जोन मुकिम कहिले समुद्र को संख्ये पानी राजधानी रे पानी पाई संघर्ष नलकूप आगरे लागुछि लंबा लाइन विस्थापित करी चुप प्रशासन जल बिजुली पाई डहल विकल पंडाकुदिया बस्ती रो 27 परिवार सबु को हां मीना बाजार को काहे कि ना बरसे हेब ठप पड़िछि व्यवसाय 8 दिन हेला राजरास्ता रे दोली मीना बाजार महासंघ दाबी पूर्ण न हेबा पर्यंत धारणा अनशन जारी रखबा को छि एवं आसंता 37 तारीख रो नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप हरियाणा रे दुई दिन चालिबो खेल ओडिसा रु भाग नैछंती 14 खेलाड़ी जितिबा आशा ने कैंपस रे जोरदार अभ्यास संपूर्ण खबर को आसीबा विवाद परे बंद रहिला बीएमसी रो वर्धित होल्डिंग टैक्स एबे पुराना बेंचमार्क मूल्यायन को आधार करी आदाय हेबो टैक्स सेपटे हाईकोर्ट मध्य वर्धित दर उपरे रोक लगाइछंती बीजेपी परे आज कांग्रेस भी राजधानी रे गर्जिछि नुआ नियम को नै सरकार नइछंती किंतु केबे बीएमसी नैथिबा वर्धित टंका फेराइबे ताको नै प्रश्नवाची सृष्टि होइछि मुंड नुआइले सरकार होल्डर रहिला बीएमसी रो वर्धित होल्डिंग टैक्स बीएमसी को डबल झटका हाईकोर्ट भी लगाइला रोक स्थगित रहिला बीएमसी रो होल्डिंग टैक्स हाईकोर्ट रो परवर्ती निष्पत्ति जाए नुआ कर न लगेबा को निर्देश देछंती मुख्यमंत्री एक बेंचमार्क मूल्यायन को आधार करी टैक्स वृद्धि करला बीएमसी जहाँ को नहीं हाईकोर्ट रे रुजु होइतला मामला विभिन्न गोष्ठी और जनसाधारण ए वर्धित होल्डिंग टैक्स को नहीं सरकार को अवगत कराइथिले सेबडे बीएमसी कहिछि 2019 बेंचमार्क वैल्यूएशन बहुत बढ़िछि सेथिपई लोकंकु होल्डिंग टैक्स अधिक लागुछि होल्डिंग टैक्स आधार घर सिल करबा निष्पत्ति होइनी केवल ओडिशा पब्लिक डिमांड रिकवरी आईन आधार तीन किंबा अधिक वर्षर टंका बाकी थिले कार्यानुष्ठान कथा कह जाइथिला वर्धित हार रे होल्डिंग टैक्स आदाय करबा पई निष्पत्ति नैथिले गोटे फर्मूला कि बेंचमार्क वैल्युएशन जेहेतु वृद्धि पाई आधार करी बीएमसी तरफ रु ये निष्पत्ति निया एक कथा को प्रतिवाद करी गोटे हाईकोर्ट रे मध्य गोटे केस दायर होता जनसाधारण भावावेग को आखि आगे रखिकी माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक निर्देश देती कि जेपर्यंत मान्यवर हाईकोर्ट ए संपर्क में कौन सी शेष निष्पत्ति न देचंती से पर्यंत होल्डिंग टैक्स वर्धित को स्थगित रखागला यही होल्डिंग टैक्स को बेस करी कौन प्रकार घर सिलिंग पे नोटिस दिया जाए ना घर सिलिंग ओपीडीआर ओडिशा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1962 अनुसार जो मानकर बकेया प्राप्य सरकार जोटा पब्लिक डिमांड जोटा रही सरकार ड्यूज जोटा रही जदि मोर देन 3 इयर्स थी एवं बहुत हेवी डिफल्टर्स थी से ओपीडीआर एक्ट अनुसार एक्शन नापी बीएमसी तरफ कहला होल्डिंग टास्क को नहीं लगी रही विवाद और प्रतिवाद बीजेपी परे कांग्रेस भी कर जोरदार विरोध 10 गुणा टैक्स को 10 दिन में उच्छेद न कले भयंकर हो स्थिति बीएमसी ऑफिस को धसई पशिबा को चेष्टा करते कांग्रेस कर्मी कोरोना समय रे रोजगार नहीं सेपरे लोकंक जीवन सह खेल खेलुछंती राज्य सरकार टैक्स उठा न गले आगो को आंदोलन को आहुरी जोरदार करबा को चेतावनी देछि दल आय तमे ओटाई जार आदाय कोलोनी तमे सेक्रेटरी आदाय कोलोनी चीफ इंजीनियर ऑफिस आदाय कोलोनी
অট্টালিকা সব আদায় কল মার্কেট বালা আদায় কল এই গরিব খটিকিয়া লোক আদায় করব এ বিট বিপ্লব হব যদি আজিকালি ভিতরে উড্র নহে প্রতিবাদ পরে কণ করিব প্রশাসন অস্থায়ী না স্থায়ী ভাবে বদলাইব হোল্ডিং ট্যাক্সর দর তবে এটি সবুঠু বড় প্রশ্ন পূর্বর নেইথিবা হোল্ডিং ট্যাক্স পয়সা কেবে ফেরাইব বিএমসি ভুবনেশ্বর ক্যামেরা পর্সন আদিত্যঙ্ক সহ প্রদীপ্ত মহাপাত্র ও শত্রুপা সামন্তরায়ঙ্ক রিপোর্ট আরগস নিউজ নর কঙ্কাকু নেই বড়ুছি সসপেন্স বিলম্বরে অপমৃত্যু খবর দে পুলিশ বিবাদকু আসিথিবা বেলে ডিসিপিঙ্ক বয়ান হাজত মৃত্যু চর্চাকু খোরাক যোগাইছি ঘটনা হাজত মৃত্যু হেউ কি দুষ্কর্ম পরে হত্যা পুরা মামলারে পুলিশর ভূমিকা বর্তমান সন্দেহ ঘেররে রয়েছে এপটে পরিচয় খোঁজিবাকু মহিলাঙ্কর স্কেচ প্রস্তুত করিবাকু কঙ্কাকুর কিছু অংশকু হায়দ্রাবাদ পঠাই দেইছি পুলিশ কঙ্কাকুর শতকন কেমিতি ফাঁডি পরিসরে থিবা জবত গাড়িকু আসিলে মহিলা অর্ধ উলগ্ন অবস্থায় কেমিতি তাঙ্কর মৃত্যু হেলা মহিলাঙ্কু কেই দুষ্কর্ম পরে হত্যা করিনি তো পুলিশ হেফাজতরে থাই মহিলাঙ্কর মৃত্যু হয়নি তো এ সবু প্রশ্নর উত্তর এবে পুলিশ পাখরে নথুয়া বেলে ডিসিপিঙ্ক বয়ান হাজত মৃত্যু আড়কু সংকেত করিছি তবে এবে শুনন্তু মহিলাঙ্ক মৃত্যুকু নেই কোন কইছন্তি ভুবনেশ্বর ডিসিপি যেদিন তাঙ্কর বডি মিললা ইউডি কেস কলু এবং ইউডি কেস সম্বন্ধে আমি এনএচআরসি কু ডিটেল রিপোর্ট মধ্য পঠাইছু ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ବଡ଼ିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରାହେଇଛି ମ୍ୟାଗଟ୍ସ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଡ଼ି ପାଖରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ମିଳେ ମ୍ୟାଗଟ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଯେଉଁଥିରୁ କି ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ସିନ୍ସ ଡେଥ୍ ଇତ୍ୟାଦି କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ ବଡ଼ିକୁ ଯେହେତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଇନାହିଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ବି ପଡ଼ିପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିଛୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଯାହା ଯାହା ରିଲିଭେଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିଛୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଥାନା ହାଜତ କିମ୍ବା ଥାନା ପରିସର ଭିତରେ କୌଣସି ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏହାର ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତେବେ ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା କି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଉପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମାମଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି କି ପୁରା ମାମଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲାନି ଏବଂ ଏଥିରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ବା ପୋଲିସ ଥାନାର ପରିସର ଭିତରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏକଥା ତ ତଦନ୍ତରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖେ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ପ୍ରାୟ ସେ ଗୋଟେ ବାଇଆଣୀଟେ ସେ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶେ ଏଇଠି ଆମର ସେ ବାଇଆଣୀଟେ ବୁଲୁଥିଲା ସେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା ପୋଲିସ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଇନଥିଲା ତ ସେ ବାଇଆଣୀ ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ନଙ୍ଗର ଫଙ୍ଗର ହେଇକି ସେ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ସେ ଡୋର୍ ଖୋଲିକି ପଶିଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାଇଆଣୀ ଲୋକଟା ତ କ'ଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରାହେନି ତା'ପରେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ଜାଣିହେଲାନି ହଠାତ୍ ଏମିତି ଦିନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଜିନିଷ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କେଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏଥିପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଠାଯାଇଥିବା କଙ୍କାଳର ଅବଶେଷ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ ସେଇ ଫେସ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମକୁ 10 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏମ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ମିଳିଲା ସେଇଟା ମିଳିଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ପଠା ହେଇଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଫଟୋଟା ମିଳିଯିବ ଫଟୋଟା ମିଳିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ସୁବିଧା ହେବ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କାର୍ ଭିତରୁ କଙ୍କାଳ ମିଳିବା ପରେ ପାଖରୁ ଏକ ଇଂରାଜୀ ଚିଠି ଲେଖା ବି ମିଳିଥିଲା ଏ ପ୍ରେମ ଚିଠି ସହ ମହିଳାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଟାଣିଛି ପ୍ରଥମେ ତ ଫାଣ୍ଡିରେ କାହିଁକି ସିସିଟିଭି ନଥିଲା ଯଦି ଥିଲା ଏଥିରେ କିଛି ଚିତ୍ର କଏଦ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ଏହି ଗାଡ଼ିର ଚାବି କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ଯଦି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଚାବି ଥିଲା ତେବେ ଚାବି ଖୋଲି ମହିଳା ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲେ କେମିତି ଯଦି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଚାବି ନଥିଲା ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ତାପରେ ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଥମରୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍
ସେତେବେଳର ସମୟ ଥିଲା ଭୟଙ୍କର। ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲୋକେ ଡରୁଥିଲେ, କାରଣ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯାହାର ଭୟରେ ଥରୁଥିଲା ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ପଜିଟିଭ ଖବର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଖେଳାଇ କରିଥିଲା। ଆଜି ସେ ଦିନକୁ ପୁରିଛି ଏକ ବର୍ଷ। ସେପଟେ ଏବେ ବି ଭୟ ଯାଇ ନାହିଁ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଶକୁ ଫେରିଛି ମହାମାରୀ। 5 ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁନସାନ, ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲା କରୋନା, ମଣିଷଠୁ ମଣିଷ ଦୂରେଇ ଗଲା, ଭିଡ଼ ଦେଖିଲେ ବି ଡର ଲାଗିଲା। ବରଗଡ଼ରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର, ବମିଖାଲରୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା ଆତଙ୍କ। 15 March 2020 ରାଜଧାନୀର ବଡ଼ଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ରୋଗୀ। ଇଟାଲୀ ଫେରନ୍ତା ଯୁବକ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସମଗ୍ର ରାଜଧାନୀରେ ଖେଳିଗଲା ଆତଙ୍କ। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଆଇସୋଲେସନ ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଲା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ପୁଣି 2-3 ଦିନ ପରେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲା କରୋନା, ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଓ ବମିଖାଲ। ତେବେ ସେବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେବାଶିଷ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁକୁଆ ଭୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସଂକ୍ରମିତ ଥିଲି, ତ ଏବେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଆଉ ମୋତେ ବି ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ମନେକର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲି ଏବଂ ଗୋଟେ କୁକୁଆ ଭୟ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ରିମର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିଲା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଟିକିଏ ବାଧିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ରହିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଲି ସ୍ପ୍ରେଡେବୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ହଁ, ଆମକୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଷ୍ଟିଗ୍ମା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରିୟୁମର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଥିଲା, ମୋ ନାଁରେ ବହୁତ ରିୟୁମର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ନିଜେ କେବେ ମନେକର ସେଇଟା ମାନେ ସେମିତି କାମ କିଛି କରିନି। ତ ଆମ ସମାଜରେ କେମିତି ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସଦ୍ଭାବନା ରଖିବା, ଏ ଦିଗରେ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କେମିତି ରହିବେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଲଗାଇଲା କଡ଼ା କଟ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଅଟକିଲା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରାଜଧାନୀ, ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟଣା ହେଲା, ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଦୋକାନ ବି ସିଲ୍ ହେଲା, ଲୋକେ ଜରିମାନା ଗଣିଲେ। ଏତେ ପ୍ରୟାସ ପରେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଲଟିଲା ରେଡ୍ ଜୋନ୍, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ପାଲଟିଲା ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଅଧିକ କରୋନା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ହେଲେ ଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ 24,000 କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି, କେବଳ 5 ରାଜ୍ୟରୁ ହାରାହାରି 85% ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଆମର ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 24,000ରୁ ଅଧିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ହେଉଛି ସାରା ଭାରତର ଖବର। ତା ଭିତରେ ହାରାହାରି 7 ବା 8 ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଆମକୁ 3 ରାଜ୍ୟରୁ ହରା, ଯଦି 5 ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ନେବେ ସେଥିରୁ 85% ରୋଗୀ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ହେଉଛି ବା ସେଟା ଲୋକାଲ ଗୋଟେ ସ୍ପାଇକ୍ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଅନଲକ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ବଢ଼ିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଢିଲା ଭାବ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଆମର ବି ବଢ଼ିପାରେ। ତେବେ କରୋନାର 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଅନେକ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି, ମାନବିକତା ହରାଇଛି ମଣିଷ, ଆଉ ବାସ୍ତବତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି ମଣିଷ। କରୋନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ତ ଖରାପ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଦେଶରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସପ୍ତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବାଣୀବିହାର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜଳିଲା ଜଙ୍ଗଲ, 4 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଛି। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ମାନସିଂପାଟନା ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ମାରିବା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। କିଏ କରିଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ତାର ଟେର୍ ପାଉନାହିଁ ପୋଲିସ। ଏହାରି ଭିତରେ 2 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ସହିତ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ପଠାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରର ମାଲିକ। କିଏ କରିଥିଲା ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ? ମାନସିଂପାଟଣା ଛାତ୍ରୀ ପୋଡ଼ି ମାରିବା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା,
3 सप्ताह पुरीथले भी पुलिस हाथ खाली मानसिंह पटना कॉलेज छात्री को जीवंता पोड़ी मारिदे उद्यम घटना 3 सप्ताह ऊर्धदिन बीतला अभियुक्त टेर पाउनी पुलिस जनगहलीपूर्ण अंचल घर भितर पशि एकाकी छात्री गोड़ हाथ बांधा और घरे निगेदा भली घटना सारा राज्य में चांचल्य सृष्टि करता तेज किए यह नरकीय कांड घटाई कहीं छात्री जनक प्रथम निर्यातना और पर पोड़ मार उद्यम होता घटना को दीर्घ दिन पूरी जाते भी घटना एवं भी सन्देह घेर से चारज लोक घरे पशि एत बड़ कांड घटाई फेरार होगले कथा को सहजे विश्वास कर पार ना घर मालिक पुलिस सठिक तदंत कर घटनार सत सामना आने को से दावी कर पुलिस तो तदंत करु तदंत जमापड़ी शिथिलता अच्छी किंतु आमर भरसा रही पुलिस निश्चय तदंत यथाशीघ्र चेष्टा करी सारे समस्ते जापर एत कम समय भितर बापा माँ जीवा डीसीपी ऑफिस जो जहाँ कही डीसीपी ऑफिस जीवा एवं ता भीतर लोक आसिकी एमती करदबा तो मत के सन्देह लगुच या देर अगर कौन भी थपे तबे तदंत जना पड़ अंपटे मामलार तदंत करने को 42 मौजार दुईज संदिग्ध युवक को पुलिस पचराउचरा करने उभयों पॉलीग्राफ टेस्ट कर छात्री बयान रेकर्ड करने एक निर्दिष्ट स्थान मिलता एक मोबाइल फोन को साइंटिफिक लैब को पठाइवा और छात्री परिवार लोक पचराउचरा कर पुलिस एपरी ये मामलें अनेक दिग सामना को आसुवा कथा स्वीकार करिसंती कटक डीसीपी जेहेतु बहुत आंगल इनवल्व अच्छी आम तरफ स्टेप्स नि मेडिकल रिपोर्ट्स आम गैदर करुचु सब एडवांस्ड क्वेरी करा जाए और फोन जो तरह सीज होता फोन को आम पठाई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दुई संदिग्ध पॉलीग्राफ टेस्ट परे अधिक टेक्निकल एविडेंस जोगाड़ करने मोबाइल फोन एवं लैपटॉप को राज्य बाहर को पठाई कमिश्नरेट पुलिस कटक वीडियो जर्नलिस्ट सुब्रत विश्वजीत दास को रिपोर्ट कटक सहर में वेंडिंग जोन बंटन को नहीं देखा मिली असंतोष 160 दुकान निर्माण होता बेले मात्र 106 जन को दिगला वेंडिंग जोन जहाक नहीं पातर अंतर करयोग आनी पंजीकृत उठा दोकानी सेपटे कटक बारवाटी विधायक महम्मद मुकिम वेंडिंग जोन बंटन प्रश्न उठाई वेंडिंग जोन अप्लाई करूँ एपर्त गवर्नमेंट सहायता 10,000 मिली ताको भी आम पाइपरू ना वेंडिंग जोन रिच्छे आमको मिलना किसी ना या नुआ जो मैंने करूँ सब वेंडिंग जोन मिलू साइकिल रिपेयरिंग दुकान थी अभी अन्य दुकान किसी करवा आ पार्बुन वृद्ध हो गल आ पाने कर बस कि अक्षम हो गला मिलला नाला बाला अजोग्य हिताधिकारी वेंडिंग जोन वेंडिंग जोन बटन रे सीएमसी पातर अंतर निर्माण हो 160 दुकान 106 जन को दिगला वेंडिंग जोन ता पुणी अजोग्य हिताधिकारी मिली वेंडिंग जोन एभली अभियोग आनी कटक सहर किसी पंजीकृत उठा दुकानी आज शहीद भवन में आयोजित कार्यक्रम में जोगद गृह और नगर उन्नयन मंत्री प्रताप जेना उठा दुकानी को वेंडिंग जोन प्रदान कर कटक महानगर निगम पक्षर 5 वेंडिंग जोन 160 दुकान निर्माण करमु 106 जन को वेंडिंग जोन प्रदान कर मंत्री 2018 मसीह वेंडिंग जोन तैयारी ड्राफ्ट मध्यम यह बंटन होती वेंडिंग जोन बंटन को नहीं असंतोष देखाई वेंडिंग जोन पाई व्यक्ति और नपाई व्यक्ति कौन कहते शुणु ना दुकान अच्छी मेडिकल छक वेंडिंग जोन अप्लाई करूँ एपर्त गवर्नमेंट सहायता 10,000 मिली ताको भी आम पाइपरू ना वेंडिंग जोन रही किसी आमको मिलना किसी ना या नुआ जो मैंने करूँ सब वेंडिंग जोन मिलूँ आम मैंने पुणा लोक हो कार्ड भी पाइ आम किसी सहायता किसी पाऊन कि आज्ञा कौन केमती है आज्ञा गवर्नमेंट कथा पार्टी पॉलिटिक्स हो पारे कौन हो पारे जी जार चिन्ह परिचय थाए पार्टी पॉलिटिक्स से माने पाई पार आम मैंने तो दुकान खुद दुकान अच्छी आम आम किसी पाई पार पाखे दुकान साइकिल रिपेयरिंग दुकान थी अभी अन्य दुकान किसी करवा आन वृद्ध हो गल आई पाने से बस कि पारू अक्षम हो गल गोड़ हाथ चलूनी अबिका थरुची पुओ को बसे भी कि करेंगे से अन्यपटे या प्रश्न उठाई कटक बारवाटी विधायक महम्मद मुकिम समुद्र को संखे पाणी होगला
3000 ऊर्ध ओठा दोकानी ना पंजीकरण होता है मात्र 106 जन को दिगला विधायक प्रश्न करते कटक सहर में प्रथम थर पर उठा दोकानी भेंडिंग जोन दि जाएगी भविष्य यह आहरी अधिक हो ओठा दोकानी थैथान पर पदक्षेप निवल एति नुहे ओठा दोकानी को फोनी और कोरोना सहायता दि जाएगी मंत्री प्रताप जेना ये समुद्र को संख्या पापरी होगा कटक सहर जितने लास्ट टाइम रजिस्टर करते प्राय 3000 ऊर्ध उठा दोकानी ना रजिस्ट्रेशन होता ताबादे आहरी शह संख्य हजार संख्यार उठा दोकानी अच्छा जो मैंने कोविड परवर्ती अवस्था तंकर रोजगार हर कि पेट पटना पोषापी छोट छोट दोकान कर बस थैथान आवश्यकता हो ट्राफिक कंजेसन हो तेणु आम अनुरोध करुचु जे ये केवल 162 वेंडिंग जोन दे कि आम संतुष्ट करेणु तो यहाँ जगह लोकेट कर म्यूनिसीपाली तरफ एवं ऑर्गेनाइज टूर विभिन्न जगह रे वेंडिंग जोन आवश्यकता अच्छी और सरकार तुरंत पदक्षेप दिं कटक म्यूनिसीपाल कॉर्पोरेशन एरिया जो मैंने उठा दुकानी आम कोविड टाइम माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 3000 टंका लेखा सहायता जोगे दि जाइए जो थे कि प्राय 2374 जन उठा दुकानी तार सुविधा पाई एवं ता सहित आमर फनी परे परे आमे फनी परे परे उठा दोकानी मानकर जहाँ क्षय क्षति होता से 10000 टंकार गोटे आर्थिक सहायता प्राय 1919 जन को उठा दोकानी मानू जोगे दि जाइए कटक म्यूनिसीपाल कॉर्पोरेशन एरिया भितर उठा दोकानी मानू थैथान करने आम ये पदक्षेप ग्रहण कर एवं भविष्यत रे आहुरी अधिक भेंडिंग जोन करियार आमे पदक्षेप ग्रहण करिवो भेंडिंग जोन पई आहुरी 132 जन पंजीकरण करिसंती बाकी अन्य उठा दोकानी को सर्वे करा जाई पर्याक्रमे आ दिया जीव बोली सूचना देइसंती सीएमसी कमिश्नर कटक रो वीडियो जर्नलिस्ट गौतम महांतिंग सो इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज वर्षेरो उर्ध हेबो कोरोना पई ठप होई पडिछि मीना बाजार मॉल हॉल सबको मिलला अनुमति किंतु दोली एवं मीना बाजार को नाही जहार प्रतिपादरे आज आठ दिन हैला अनशन रे दोली एवं मीना बाजार महासंघ भुवनेश्वर देखिबा रिपोर्ट राज रास्ता रे दोली ओ मीना बाजार बर्षे हेब ठप होई पड़ी व्यवसाय सबको हाँ मीना बाजार को कहीं कोरोना को बर्षे बीतला सबु स्वाभाविक स्थित को फेरी दुकान बजार सबु खोल मंच भी चलिले किंतु ए जाए मीना बाजार व्यवसायी को मिललानी अनुमति बर्षे हेला घरे हाथ बांधि बसी दोली एवं मीना बाजार व्यवसायी जहाँ को नहीं आठ दिन हेलानी खरारे अनशन में बसी दोली मीना बाजार महासंघ भुवनेश्वर लोयर पीएमजी रे शह शह दोली एवं मीना बाजार व्यवसायी प्रतिवाद कर राज्य सरकार से पेट पर चिंता करने को दाबी उठे पिला छुआ भासी गले करस दाम आम बुड़ी गलु सब तो गाइडलाइन रे खुलला मीना बाजार कहीं खोलूनी आमर मंदिर मस्जिद बस फस सब तो प्रोग्राम प्रोग्राम सब होपेरा को परमिशन मिलला अपेरा को परमिशन मिलला मीना बाजार को परमिशन कहीं मिलूनी जेपर्त परमिशन न मिल आम छाड़बू ना सरकार आम कि खबर बुझुना ये गरीब मान को साय करूना बर्तमान कहते करुणा करुणा कौन गाड़ी मटर कौन चलू ना सरकार नवीन बाबू जी लक्ष लक्ष कोटी कोटी लोक जाए भोट दौंट नवीन बाबू कौन करुणा हो नहीं नवीन बाबू कौन जाणी ना बर्तमान मो गरीब मैंने केमती चलिए से भी गरीब मान बुझुना आम आप कलु देख गरीब मान झूला चलेबे सब चलला फिल्म हल चलला बस चलला मैंने दोकान डालिया सब बजार चलला मीना बजार कहीं बनला रोजगार ठप कारण परिवार पोषा कष्टकर हो पड़ी दुर्दिन दिन काटुवा दोली और मीना बाजार व्यवसायी राज्य सरकार को गोटे हाँ को अपेक्षा कर राज्य सरकार जदि अनुमति दिं तेरे कोरोना गाइडलाइन मानि दोली मीना बाजार बसेवा को संघ कही सरकार निगड़ निद्रा रे आम तीन तीन थर यह विषय सरकार को अवगत कलापर भी सरकार आम कद शुणु ना तेणु बाध्य आज को आठ दिन हम सपरिवार सहित दोली एवं मीना बाजार व्यवसायी सपरिवार सहित देखते खरार आज को आठ दिन हम पड़ी सरकार आम कद शुना बाध्य आज आम राली कर आज आम विधानसभा घेरव कर विधानसभा पर्यटन जीव जे पर्यटन सरकार आम कद न शुणी आमर ए धारणा अनशन सब जारी रही है राज्य सरकार दाबी न शुणिले आंदोलन को जोरदार करने आत्महुति देवाकू से चेतावनी भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप चिन्मय साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय बुलेटिन को एट रखा विदाय दिंतु।
ନମସ୍କାର।